यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे कराची से, जहाँ पे तालिबान बिलाल के कत्ल में मुलावस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम निजाम को माड़ीपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गुज़श्ता रोज डाकू ने मज़ाहमत पर तालिबान को कत्ल कर दिया था। खुर्रम गुलजार से मजीद तफसील जानेंगे, बताइएगा खुर्रम। जी, गुज़श्ता रोज जो होने वाला वाकया था, एक मोबीना टाउन थाने की हदूद में बिलाल नामी एक शहरी है जो एनडी यूनिवर्सिटी का तालिबिल था, जिसे दो मुसल्ला मुलजमान थे जिन्होंने होटल पे असले के जोर पे यगमाल बनाया। इस दौरान मजहमत हुई, बिलाल ने एक डाकू को दबोच लिया था। इस दौरान दूसरा साथी जो है उसने फायरिंग करके बिलाल को जो है वो कत्ल किया और दोनों मुलजमान मौके से फरार हो गए थे। अभी ताज़ातरीन इत्तलात ये हैं कि पुलिस ने एक मुलजिम को जो है वो माड़ीपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सुपर हाईवे का रिहायशी बताया जा रहा है। मुलजिम इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। साथ ही 8 रोज बाद ही इसकी जमानत हो गई थी। उसके बाद मुलजिम ने आते ही दोबारा से वारदात का सिलसिला शुरू किया। एक मुलजिम जो है वो उसमें गिरफ्तार है, जिसका नाम निजाम सामने आया है, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। पुलिस का कहना यह है कि बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। ठीक है, एक मुलजिम गिरफ्तार जबकि दूसरे की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खुर्रम गुलजार इस खबर की तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इंतजार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आजादी मार्च आज रवा। के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not. यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।